हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दिवाली के लिए एक स्वीट बनाएंगे, मोतीचूर लड्डू। ये लड्डू सबके तरह नहीं है, सब डीप फ्राई करके मोतीचूर लड्डू बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए हमको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है एंड बूंदी स्पून की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। फर्स्ट हम चना दाल भिगने डालेंगे, सोक करेंगे। मैंने एक कप चना दाल ली थी, इसको 4 आवर्स सोक करी थी। 4 आवर्स इसको भिगाना है। देखिए हमारा चना दाल बहुत अच्छे से भीग गया है। अब इस चना दाल को हम ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये मोतीचूर लड्डू बनाना बहुत ईजी है, ना मेहनत की ज़रूरत है, बहुत सिंपल से बना सकते हो आप लोग। अब हम इसका अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये थोड़ा रफ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैंने इसको अच्छा ग्राइंड कर ली थी एंड ये थोड़ा सा रफ रफ है। अब हम एक पैन रखेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। हमारा घी तो गर्म हो गया। अब हम इसमें चना दाल जो हम पेस्ट बनाया था उसको डाल के लो फ्लेम टू मीडियम फ्लेम में ही इसको फ्राई करना है। इसको फ्राई करने के लिए 15 टू 20 मिनट्स लग जाएगा। हाई फ्लेम में मत करना, लो फ्लेम में ही इसको फ्राई करना। देखिए इसमें जो वाटर है वो तो ड्राई हो गया, ये तो बूंदी शेप में बनने लगे हैं। इसी तरह इसको अच्छे से लो फ्लेम में फ्राई करते ही रहना। आप इस तरह का स्पून यूज़ कर सकते हो इसको मैश करते फ्राई करने के लिए। देखिए ये तो बूंदी बन गया है। इसी तरह इसको अच्छे से लो फ्लेम में फ्राई कर लेना, भूनते रहना ताकि इसका जो रॉ स्मेल है, कच्चा बास है, वो चले जाएगा चना दाल का एंड बहुत अच्छे से स्मेल आएगा घी का। देखिए बहुत ड्राई हो गया है एंड अच्छे से भुने गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी 2 मिनट्स थोड़ी देर और फ्राई कर लेंगे। देखिए ये तो हो गया। अब मैंने इसको साइड पे रख दी। अब हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हम जो कप से चना दाल लिए थे उसी कप से हम शुगर लेंगे, 3/4 कप शुगर एंड उसका 1/2 कप पानी लेंगे। एंड इस चाशनी को बनाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ एक तार आने तक इसको पका लेना है, ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा एक तार तो आ गया है। आप इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद चेक करना, आपको परफेक्ट से तार आ जाएगा। अब इसमें जो हमारा बूंदी का मिक्सचर है वो डाल देंगे। डाल के इसको 2 मिनट्स हम पका लेंगे चाशनी में, ताकि हमारा चाशनी इस बूंदी को अच्छे से अब्सॉर्ब करेगा एंड स्वीटनेस आएगा बहुत अच्छे से। इस दिवाली के दिन आप इस तरह इजी से बना लेंगे मोतीचूर लड्डू, बना लेके खाना।
देखिए 2 मिनट्स मैंने अच्छे से चाशनी में इसको पका लिया, ये तो ड्राई हो गया है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए थोड़ा ठंडा होने के बाद ये थोड़ा घट हो जाता है। अब हम हाथ में घी अप्लाई करके या तेल अप्लाई करके इसका लड्डू बना देंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो या आपका मर्जी। देखिए हमारा लड्डू कितना परफेक्ट बना, मोतीचूर लड्डू, बिल्कुल मोतीचूर लड्डू के तरह दिख रहा है एंड टेस्ट भी ऐसा ही है। बहुत आसान है इसको बनाना, आप भी बना के एंजॉय करेगा। एंड मेरा चैनल को लाइक करो, मेरा वीडियो को लाइक करो एंड मेरा चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।